नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रिलोड हिंदी में। तो दोस्तों, ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। और ये जो वीडियो है, एक एक बात और आप समझ लो कि ये वीडियो जो ना आपका टाइम सेव जो बहुत ज्यादा करेगा। अगर जो आप ऐसा कोई 3D टेक्स्ट विथ मल्टी कलर में कोई आप टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो अपने नाम का, तो ऐसे अगर जो नॉर्मली आप एडिटिंग करके बनाओगे वैसा टेक्स्ट स्टाइल जो कि मैं बताऊंगा, तो ऐसे में आपको 20 मिनट या आधे घंटे भी लग सकता है वैसे टेक्स्ट को क्रिएट करने में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम संदीप है, ठीक है। तो अब संदीप में मान लीजिए एस मैंने लिखा, तो एस जो है डिफरेंट कलर का रहेगा, ए जो है डिफरेंट कलर का रहेगा, रैंडम कलर का, और उसके बाद जो है एन भी रहेगा दूसरे कलर का। मतलब जो जो एक एक जो वो है ना, जो अल्फाबेट है वो डिफरेंट कलर का रहेगा। तो ऐसे स्टाइलिश जो टेक्स्ट आपका बनेगा वो कंप्लीट होने के बाद काफी मस्त लगेगा। वैसे अगर जो आपको समझ में नहीं आया है तो भी आपको वीडियो को देखना है। अगर आप समझ भी गए हो तो वीडियो को तो जरूरी देखना है, क्योंकि आपको भी पता है ये वीडियो कितना धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप में, कुछ लोगों को पता चल जाएगा। और नीचे कमेंट भी कर दो यार, बेस्ट टेक्स्ट स्टाइल ट्रिक या तो जो अच्छा लगे। तो आपको ना ये ऐप चाहिए होगा जिसमें ये फीचर जो है पहले से कस्टमाइज्ड है। जैसे इसे ओपन करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाता है नाम टाइप करने का। आप अपने कंपनी का नाम या फिर अपना कोई यूट्यूब चैनल या तो अपना खुद का नाम या तो अपने फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे या फिर कुछ भी बोलना चाहते हो, विश करना चाहते हो, तो आप वो यहाँ पर डाल दो। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कलर भी सिलेक्शन कर सकते हो, या तो रैंडम पे क्लिक करोगे तो आपको ये मल्टीपल कलर में दिखाएगा। अब ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट करते जाओगे तो ये देख सकते हैं मल्टीपल टेक्स्ट स्टाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे में ये आप नेक्स्ट करते जाते हो, आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल दिखते जाता है। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा कि यहाँ पे मल्टी कलर जो रहता है ना एक अलग अलग कलर में, तो ये थोड़ा यूनिक लगता है देखने में। और ऐसा अगर जो आप टेक्स्ट बनाते हो कहीं पे कोई भी एडिटर में, फोटोशॉप में भी करते हो, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ये एक क्लिक में नहीं बनता है, यहाँ तो बस आपने नाम डाला और काम हो गया। मैंने यहाँ पे सेव किया इस टेक्स्ट को, तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और मैं सब जब इसे जूम करता हूँ तो ये जूम ही लगता है, मतलब बेटर लगता है देखने में, क्वालिटी है। तो इस तरह से मल्टी कलर को आप बना सकते हो। वैसे इस तरह के बहुत सारे मल्टी कलर टेक्स्ट स्टाइल को बना सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसी का हेल्प कर जाएगा, किसी का टाइम भी सेव हो जाएगा। ये छोटी छोटी वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके फ्यूचर में। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।